तेरे बाल धोए हुए हैं परसों। हुआ मैसेज डाला क्या जो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्विकली बिकॉज टाइम बहुत कम है और बहुत ज्यादा सीखना है हमें। इनका पहले मैं एकदम सिंपल एस फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, सिंपल वेरिएशन जो कोई भी एज पे आप कर सकते हो वैसा एक सिंपल एस फॉर्म क्रिएट करने दिखाने वाली हूं। सिंपल टेक्निक, मिडल पार्ट करना है, साइड पार्टीशन, यहाँ पे फ्रंट सेक्शन अलग किया है मैंने। नाउ बैक में वन बनाना है। मैं सारे आज फ्रंट वेरिएशन क्लियर कर रही हूं। फ्रंट वेरिएशन के लिए पर्फ सेक्शन मैंने यहां से अलग किया, ठीक है। हमने प्रिपरेशन भी इतनी ही की है, आप देख सकते हो मैंने नीचे के हेयर की प्रिपरेशन नहीं की हुई है, ऐसे ही है जैसे उनकी ओरिजिनल है वही है रखे हैं। ज्यादा करके हम फ्रंट में और पॉफ में क्रिएशन कर रहे हैं आज। सेम दिख रहा है नैतिक तो दो मैडम इस दो क्या हुआ कुछ पेमेंट करके पूछ रहे हैं जाती है विन है ऐड कर ऐड है ना ये तो नहीं है कर दे नेक्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट अभी दिखा रही हूँ पफ का सेक्शन तो अभी आप सबको क्लियर है। अभी हम पफ में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो ज्यादा सीखना है फ्रंट का पार्ट आपके क्लाइंट के लिए अब वो फोकस करेंगे। पफ तो अभी सबको आ गया बनाने, अभी सबको प्रैक्टिस करनी है। देख के किसी का कुछ नहीं होने वाला है, सबको बहुत सारा प्रैक्टिस करनी है। ओके आई होप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल है उनके हेयर लेंथ है मीडियम लेंथ, तो आपको मीडियम लेंथ में भी कटिंग वाले हेयर होते हैं तब भी बहुत प्रैक्टिकल मॉडल चूज किए जहाँ पे आपको सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं छोटे छोटे सारे कवर हो सके, वैसे ही लिया है ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर आउट हो। 10 अलग अलग वेरिएशन हम कवर करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा स्पीड में करूंगी लगा ना। मूविंग टू पफ सेक्शन, पफ सेक्शन भी बैक से ही स्टार्ट करेंगे।
खींच रहे हैं। यहाँ पे ऊपर लेना है और बैक कॉर्नर, बहुत ज्यादा हाइट नहीं क्रिएट करनी होती है तो बैक कॉर्निंग थोड़ी सी लाइट कीजिए। मीडियम हाइट पे लूंगी मैं, ज्यादा अभी यहाँ पे हाइट क्रिएशन नहीं करूंगी। पहले मैं सबसे पहले वर्क मिडल पार्ट में ही करूंगी, फिर साइड साइड के हेयर को वर्क करने के लिए लेंगे हम लोग। डिग्री बैक कॉमिंग हार्ट स्प्रे, यहां पे भी अगर आपको हाइट क्रिएट करनी है तो एवरी स्टेप आप फाइबर यूज कर सकते हो। अगर कम बैक कॉमिंग में काम करना है तो आप फाइबर यूज कीजिए। फिर सबसे पहले हम मिडल पार्टिंग वर्क कर रहे हैं, मिडल सेक्शन में वर्क कर रहे हैं, फिर साइड के सेक्शन को लेंगे। बिकॉज जहां पे बैक कॉमिंग ज्यादा जरूरी है हम पहले वहां वर्क करते, और साइड में बैक कॉमिंग बहुत लाइट बैक कॉमिंग चाहिए। दोनों साइड के हेयर मैंने रिमूव किए और सिर्फ मिडल पार्टिंग वर्क कर रही हूं। स्ट्रेट सेक्शन 90 डिग्री जितना आप आगे बैक कॉमिंग को सेटल करोगे उतना आपका हाइट अच्छा खासा मेंटेन होगा, बाउंस मिलेगा। यहां तक मेरा बैक सेक्शन था तो मैंने बैक कॉमिंग जो की थी वो बहुत अच्छी बैक कॉमिंग की है। अभी साइड के हेयर को हम लेंगे और एक सेक्शन आगे से मैं फिनिशिंग सेक्शन लेने वाली हूं, तो वहां पे क्या करना है कौन बताएगा। जब हमारे पास फिनिशिंग सेक्शन आता है तो आपको कितनी बैक कॉमिंग करनी होती है, चलो जल्दी से रिप्लाई करो कमेंट में ताकि मुझे लगे समझ में आए कितने लोग अच्छे से देख रहे हो। आप सो तो नहीं गए हो ना, आर यू एंजॉइंग गाइज। सी एक अच्छा शेप मिल गया है। यहां पे मैं कोई पुलिंग टेक्निक नहीं कर रही हूं, सिंपल वेरिएशन दिखा रही हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पे मेरा बैक कॉमिंग लेयर कंप्लीट हुआ। अभी मेरे क्लाइंट के हेयर देखूंगी मैं कितने हैं, अराउंड 4 फिंगर मुझे यहां पे चाहिए फिनिशिंग, तो मैं यहां पे सिर्फ 1 फिंगर ले रही हूं फिनिशिंग लेयर, सिर्फ और सिर्फ कितना रूट बैक कॉमिंग। यस वेरी गुड, रूट बैक कॉमिंग करना है और आगे क्या करना है बताओ। आगे की तरफ हम क्या करने वाले हैं, शाइन स्प्रे। फिनिशिंग लेयर पे बात करेंगे तो शाइन स्प्रे करना है आपको, ठीक है। सेम लेयर हम तो सबको लगता है बहुत मजा आ रहा है और कुछ नया नया वेरिएशन सीखने मिल रहा है, तो आर यू एंजॉयिंग। यस अभी तो शुरुआत है, गुड बैक कॉमिंग वी आर डूइंग। हार्ट स्प्रे, लाइट हार्ट स्प्रे करना है और आगे की तरफ शाइन स्प्रे करना है। सी जितना हाइट चाहिए आप उतना ऊपर खींचो उसको, आपको हाइट मिलेगा। जितना उसको सेट करना है बैलेंस करना है उतना नीचे रखिए,
इसकी भी पिनिंग सेक्शन छूट गई है, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं पिनिंग कर रही हूँ। बोले ओपन करूँ, बहुत अच्छी फिनिशिंग लेयर से हमें वर्क करना है। बड़ी वाली बॉबी पिन याद रखना, कब कौन सी बॉबी पिन यूज करनी है। बेस लेना है, बेस के साथ में पिनिंग क्रॉस होनी चाहिए, खड़ी पिन कभी नहीं करना, नहीं तो पिन दिखती रहेगी आपकी। जहां पे आपको पिन डालना है वो पार्ट को आपको फ्लैट करना है, फिंगर से दबाओ और फिर पिन करो। मैम फ्रंट सेक्शन कितना रखना होगा बताओ? अराउंड 4 फिंगर, आपके वेरिएशन पे डिपेंड है आपको क्या वेरिएशन करना है उस अकॉर्डिंग रखिए। एटलीस्ट मैंने बता रही हूँ, वापस दिखाती हूँ कितना फिंगर मैंने रखा है। सी राउंड शेप में आपका पिनिंग एकदम मस्त पिनिंग होना चाहिए। पिनिंग पे हार्ड स्प्रे कीजिए, पफ पे हार्ड स्प्रे, एक भी बेबी है एंड ऑल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इज इट नाइस? आप क्विक में ब्राइड को भी ये करते हो, कर सकते हो, साइडर्स को भी क्विकली ये कर सकते हो। मैं स्टफिंग के साथ में भी साइडर के लिए आपको दिखाऊंगी। चलो सबसे पहले मैं एक एस फॉर्म क्रिएट करना सिखाती हूँ, बहुत इजी एस फॉर्म। जब आपके पास कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या दे, तो आप ये एस फॉर्म, एक तो साइड पार्टीशन में वर्क करना है ऐसे। यहाँ पे अगर स्कल्प बड़ा है, दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको आप करेंगे जिगजैग, ताकि इससे भी आपका स्कल्प भी हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें यहाँ पे लेना है साइड वेरिएशन, तो हम क्या करेंगे, इसको इतना सेक्शन, बॉक्स सेक्शन मैंने उठाया, इसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। दोनों आईब्रो के मिडल पार्ट को बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। ये बॉक्स सेक्शन लिया, ऊपर किया मैंने, क्रॉस में पकड़ना है और यहां पे बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करके आप इसको हार्ड स्प्रे करना, साइड में बैक कॉमिंग बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। मैम जब भी पफ करना है तो लॉक पोनी पे ही होगा क्या हमेशा? हाँ ऑब्वियसली। यहाँ पे आगे की तरफ शाइन स्प्रे, ठीक है, कोम का डायरेक्शन देखिए ऐसे कैसे रखा है मैंने कोम, वो देख लीजिए। जस्ट ये मेरा कोम है, अब थोड़ा सा 1 इंच अप, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, जस्ट ट्विस्ट, ओके। ये आप एवरी स्टेप, कोई भी एज के क्लाइंट आते हैं, साइड वेरिएशन दे दो, साइडर है फटाफट से ये वेरिएशन दे दो, एंगेजमेंट ब्राइड, रिसेप्शन ब्राइड, अगर आपकी ट्रेडिशनल ब्राइड है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है फॉरहेड के स्ट्रक्चर क्या है उनका, आप साइड वेरिएशन दे दो। ऐसे लिया यहां से, बार बार वीडियो क्यों स्टक हो रही है, नहीं हो रही है, किसी और की वीडियो स्टक हो रही है क्या, प्लीज लेट अस नो। फॉरहेड छोटा है तो क्या करना चाहिए? फॉरहेड छोटा है तो आप पूरा ऊपर ले सकते हो, या ऐसे मैंने जो ऊपर लिया है वो भी कर सकते हो, यहाँ से ऊपर लेके इसको आप यहाँ से डाउन कर सकते हो ऐसे, इससे आप फॉरहेड भी कवर कर सकते हो। तनुष मेहंदी का कॉर्नर ये आपके साइड से होता रहेगा, प्लीज चेक योर कनेक्शन प्लीज। दिस इज सिंपल एस फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है। यहां से 2
टूवर्ड्स द ईयर लेवल, हम इसको डाउनवर्ड स्प्रेड बोलते हैं। इसको नीचे की तरफ लेना है, छोटे छोटे बाल भी होते हैं तो हम उसको कितने इजीली मैनेज कर सकते हैं और ये वेरिएशन दे सकते हैं। मांग टीका डालना है तो पहले ही आप मिडल पार्ट में मांग टीका डाल दीजिए और फिर साइड में पार्टीशन लीजिए। इज इट यहाँ पे अच्छा लग रहा है? सिंपल, क्विक, एलिगेंट। यहाँ पे आप इसकी पिन कर दीजिए। अभी बाल यहाँ पे एंड हो रहे तो हम इसको यहाँ पे ही इसका पिनिंग कर देंगे, ठीक है। अभी इसी में दूसरा वेरिएशन देखेंगे हम, लाइन क्रिएट करना कैसे करना है। तो थर्ड वेरिएशन पीछे से स्टार्ट करेंगे। बीच में लाइन क्रिएट करना है तो आपको इसको अच्छे से शाइन स्प्रे करना है। एक भी बेबी हेयर्स नहीं होने चाहिए। यस, वेरी नाइस। ये बहुत फटाफट साइड अप पे दे सकते हो आप, अच्छा लगता है। एजेड रहेंगे उनको तो स्पेशली ये दे दो, बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। यहां से स्टार्ट करेंगे। बेबी है यहाँ पे, हमने थोड़ा सा हार्ट स्प्रे कर दिया है इसीलिए थोड़ा सा स्टिल आई ट्राई बेस्ट। सी यहीं पे मैं ये कोम बहुत यूजफुल है, ऐसे ही आपका ये नहीं लाइन क्लियर होगी तो आपको इससे क्लियर आउट भी करते जाना है। नहीं दिख रहा है, कैसे कैसे दिखेगा? थोड़ा सा टर्न कर रही यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूपिन का 7 नंबर यूपिन, इसको ऐसे बड़ी रहेगी ना तो इसको आपको इसे प्रेस कर दो और जितनी पुलिंग है बस उसमें ही डालो। दिस वन इज योर थर्ड वेरिएशन। ये आप मिडल पार्ट में भी कर सकते हो, सिर्फ फर्क इतना रहेगा आपको मिडल पार्ट से वर्क करना है दोनों साइड में। जहां से पहले लेना है वहां से उठाइए हेयर को अच्छे से और फिर सेक्शन बाय सेक्शन उसको क्लियर कीजिए हेयर सेक्शन को, ताकि वो क्लियरली आउट हो सके। दिस इज योर फ्रंट। आप फ्रंट में थोड़ा सा उसको ऊपर लिफ्ट करके डाउन लिफ्ट कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ ऊपर लिफ्ट करके डाउन लिफ्ट कैसे करना है। बहुत अच्छे से छोटे हेयर को भी आपको मैनेज करना है। साइड पार्टिंग अपने जिगजैग बनाई है। यस, स्कार्फ ना दिखे इसलिए मैंने दिखाया आपको कि कैसे। अभी यहाँ पे पहले तो मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ, फिर यहाँ से हम फिंगर से मैंने ये सेक्शन को पकड़ा, ऊपर स्ट्रेच करेंगे। बेबी हेयर टू ही हेयर स्टाइल कर सकते हैं क्या? क्या देख लीजिए, क्या समझे, क्या बोले? बेबी हेयर तू ही हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बेबी हेयर हाँ कर सकते हो ना, उसको सेट करो बेबी हेयर को। आप पहले प्रिपरेशन दो अच्छे से। सी यहाँ पे मैंने इसको ऊपर लिया, इसको ऐसे प्रेस कर लो फिंगर की हेल्प से। प्रेस करोगे टेक योर यूपिन एंड पुट इट ओवर हियर और फिर डाउनवर्ड। इनका फॉरहेड भी हमें कवर करना है तो हम इसी से
इनके फॉरहेड पे भी लेके आएंगे हेयर को। एग्जैक्टली मिडल ऑफ द आईब्रो उनका स्प्रेड होना चाहिए। ज्यादा कर्ली हेयर है तो उसका हेयर स्टाइल कैसे करें? या उनको आयरन करके प्रिपरेशन कीजिए स्ट्रेट करने के लिए, या उनको मैसी लुक दे दीजिए। सिंपल फंडा। मैंने प्रिपरेशन किया था एक्सप्लेन, तभी मैंने बताया था जानकारी उनको प्रिपरेशन कैसे करें। यस सी, यहाँ पे पिनिंग करेंगे। यहाँ पे छोटे बाल है इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये बालों को इतने अच्छे से स्प्रे करो कि आपको पिनिंग उसकी पीछे तक आए। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल आ गया फीलिंग। आप सबको पहले ही पता होता है मैं कहां पे क्वेश्चन करने वाली हूँ। नाइस, आप ये मस्त किसी भी एज पे कर सकते हो। वैसा एक वेरिएशन था। यहाँ पे अगर आपके स्काल्फ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कैपिंग ज्यादा है, तो यहाँ का पोर्शन आप छोड़ दीजिए फॉर कर्ल्स, और इसको इसी के साथ में बैलेंस करना है। हल्का सा बैक कॉमिंग, रूट बैक कॉमिंग, ओनली एंड ओनली रूट बैक कॉमिंग। एंड ये हम थोड़े एज वुमन को भी दे सकते हैं। यस यस डेफिनेटली, उनके लिए ही दिखाया है। ब्राइट को भी कर सकते हो, आप ये मिडल पार्टिंग में भी कर सकते हो। मैंने ये साइड वेरिएशन में दिखाया है, और इवन एजेड को तो डेफिनेटली 100% कुछ जाए ना जाए ये तो डेफिनेटली उनपे जाएगा ही जाएगा। आपके साइडर्स में सिंपल एस फॉर्म पहला दिखाया मैंने, सेकेंड वो तो 5 मिनट का भी काम नहीं है, आप वो करके दे दीजिए उनको। और बहुत, और ऐसा एक वेरिएशन है कभी आउटडेटेड नहीं होगा। सी, मैंने पफ के साथ में ही उसको अच्छे से बैलेंस किया है। आपका ये पार्ट जाए ना कभी तो वो दबना नहीं चाहिए, बहुत nice. अच्छे से इसको आउट करना है। फिट फिर से नाइस 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 वंडरफुल सुपर वेरी नाइस नाइस। So, ऐसे ही कल भी हम सीखेंगे, आज भी हमने बहुत सारा नॉलेज लिया है और ले रहे हैं और भी। चेकआउट यहाँ पे मैं आगे के इसको अराउंड 13 नंबर से कर्ल्स कर रही हूँ, बट एकदम ऊपर से नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डाउन कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स आउट नहीं होने चाहिए, कर्ल्स कभी भी इनवर्ड होने चाहिए ऐसे। मैम का वेरी प्रिटी लुक लग रहा है। थैंक यू। देखो सूट होना चाहिए, किसी को भी कुछ भी वेरिएशन नहीं दे सकते हो। एज के हिसाब से
अगर ब्राइड है तो ब्राइड के फेस के हिसाब से हमें वर्क करना आना चाहिए। यहाँ पे हार्ड स्प्रे कर दीजिए, सी अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा गैपिंग है तो आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दो। सी इज इट लुकिंग नाइस प्रिटी, दिख रहा है भाई? यहाँ पे मैं बन दिख रहा है पीछे कर भी है। बैक कॉमिंग से आपको कैसे बैक कॉमिंग से आपको बर्न कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ। छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेक्शन में आपको वर्क करना है, एट द एंड पकड़ना है एंड ऐसे। कहीं पे भी आपको वेस्टर्न ट्रेडिशनल कहीं पे भी आपको एक स्टफिंग ऑन हेयर बनाना है, उनके बालों का बनाना है। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ऑन हेयर स्टफिंग तो आपको ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में पूरा का पूरा बैक कॉमिंग। अभी आप बोलोगे इसको ओपन कैसे करें, तो जैसे हम बैक कॉमिंग करते हैं उसको ओपन भी वही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन करना है। बहुत ईजी है और फटाफट से बन जाएगा। छोटे बालों पे स्पेशली कभी कभी हमारे पास स्टफिंग होना नहीं होते हैं, या क्लाइंट ज्यादा हो गए, या हम भूल गए, या रिटर्न नहीं आने वाले हैं हमारा मटेरियल, तो बहुत सारी टेक्निक आपको आनी चाहिए जहां पे आपके मनी वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज से आप आपका अच्छा खासा एक क्रिएशन उनपे करके दो। मैम एज वुमेन को बैक से कर्ल्स दे सकते हैं? दे सकते हो। बैक से कर्ल्स मतलब ओपन लुक कर्ल्स बोल रहे हो या बर्न में कर्ल्स बोल रहे हो, प्लीज क्लियर आउट। वो पहले क्लाइंट की चॉइस होती है, उनको पहले पूछ लेने का आपको क्या चाहिए, क्योंकि क्लाइंट भगवान होते हैं, जो वो बोलेंगे वो हमें देना होता है, उनको हमारे हिसाब से नहीं चलना होता है। हाँ हम हमारा बेस्ट देना है बट एट दी एंड चॉइस उनकी। यहाँ पे बड़ी वाली नेट यूज कर रही हूँ मैं, दिख रहा है? यहाँ पे जो मेरी पिन है ओपन कर दे सकते हो, सॉफ्ट कर दो। इनका वन डेढ़ घंटा मिस हुआ है ऐसा बोला है मैम, मेरा डेढ़ घंटा मिस हुआ। वीडियो सेव रहेगा आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सारे बालों को अंदर लिया, नीचे से मैंने इसको नहीं, वो कमेंट्स की वजह से दिखता नहीं है। कमेंट ऑफ कर दीजिए, कर लो। मैं यहाँ पे मैंने किया ट्विस्ट, इसको वापस से हम ऊपर लेंगे। इसमें आपको जो शेप क्रिएट करना है आप वो शेप क्रिएट करके दे सकते हो। अभी राउंड चाहिए तो ऐसे नहीं लगाना है, ये इनके कैसे लगेगा ऐसा करेंगे तो इनके नेक पे कितना नड़ेगा, वो मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। या आपको ओवल करना है तो आप इसको ओवल ऐसे दे सकते हो, ये मेरा ओवल शेप हो गया। सी ओवल शेप। अभी इसको हमें राउंड करना है, राउंड में ही देना है तो आपको इसको यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे बहुत वॉल्यूम कम होता है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे ऊपर की तरफ हम उसको नीचे लेके जाएंगे और इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एग्जैक्टली हमारी पिन। अभी कैसे हुआ, हमारी पिन भी हाइड हो गई, इज इट पिन हाइड हो गई, एक भी पिन नहीं दिख रही है। यू पिन लेनी है 7 नंबर की, आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन, 4 एंगल पे आपको ये करना है। सी ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसके ऊपर आपके ऊपर है क्या एक्सेसरी इसको प्लेस करना है। हमारे पास तो ये एक एक्सेसरी है तो वो हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। एसेसरी बहुत अच्छी लो जो सब पे चले और बहुत लंबे टाइम तक आप यूज कर सको। कलर कॉम्बिनेशन में कभी मत जाओ। मैम वापस बताइए ये इस वाला स्टेप। वीडियो सेव है, वापस से देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो तब मुझे पूछना।
लवली। लेट है ना? वेरिएशन का वेरिएशन एंड माय हेयर स्टाइल इज डन। सी फाइनल लुक, फुल लुक मतलब वॉइस नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं रही हूँ। सी वेरी ब्यूटी। चल फाइनल लुक स्क्रीनशॉट। मस्त, यस, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, लाइक वाह आ रही है, ब्यूटीफुल। चलो सी फाइनल लुक। यस नाइस, वेरी नाइस। आप एज को भी कर सकते हो, आपकी ब्राइड को भी डेफिनेटली कर सकते हो। ब्राइड में सिर्फ फर्क इतना रहेगा, मांग टीका डाल दो, यहाँ पे आप माथा पट्टी भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे ऊपर लिया है तो माथा पट्टी यूज मत करना, मिडल पार्ट में वर्क करना जब आपको माथा पट्टी डालनी है। वो भी दिखाऊंगी मैं कैसे डालनी है आपको। चलो स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी ये वेरिएशन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नेक्स्ट वेरिएशन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे राइट साइड, राइट साइड, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, ब्यूटीफुल फिनिशिंग भी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल भी होनी चाहिए। Beautiful, beautiful. Front loop, front, yes, full front. Video ले रही हूँ, turn. Yes, right. ऐसे. What's right? यहाँ से, ऐसे. हाँ. Yes, 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 yes. Okay. चलो. तो ये video मैं save करती हूँ. वापस से next model के साथ में हम वापस से वीडियो स्टार्ट करते, कहीं मत जाइए, अभी स्टार्ट कर रही हूं मैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एक सेकंड मैं भी दे लेती हूं, बंद कर दो। हाँ बंद कर।